हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे अमेजिंग गेम जो कि रिसेंटली रिलीज हुए हैं। एंड इन गेम के जो ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, बिल्कुल कॉन्सोल लेवल ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सभी गेम को आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने सभी गेम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एंड इनमें से कुछ गेम आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे एंड कुछ गेम अभी करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पर, तो उनको आप VPN लगा के भी प्ले कर सकते हैं। एंड बात रहे अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो आपके स्मार्टफोन में कम से कम 4GB रैम तो होना ही चाहिए इन गेम प्ले करने के लिए। एंड अगर आपके फ़ोन में 3GB रैम भी है, तो इनमें से कुछ गेम 3GB रैम में भी वर्क कर जाएंगे। एंड दूसरे गेम को भी आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो अच्छा है तो ये 3GB रैम पे भी वर्क कर जाएंगे। बाकी मैं आपको ईच इंडिविजुअल गेम के साथ में उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट बताता रहूँगा, तो उससे आप देख लेना आपके स्मार्टफोन के लिए कौन सा गेम सूटेबल है एंड कौन से गेम में आपको अच्छे FPS मिल जाएंगे, तो आप उसी गेम को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये सभी के सभी गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इसमें सभी तरीके के गेम होने वाले हैं, मल्टीप्लेयर, RPG एंड और भी बहुत सारे तरीके के गेम। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिस इज एंड यू आर वॉचिंग एक्सट्रीम टेक यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गो। सो गाइस, हमारे लिस्ट में जो 5th नंबर का गेम है वो है स्टार वॉर्स हंटर्स। और स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज ने एंड्रॉइड पे अब तक जितने भी गेम रिलीज़ किए हैं, उनमें से ये गेम सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक एंड सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग गेम है। एंड गाइस, ये गेम पूरी तरीके से मल्टीप्लेयर होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के वेपन्स मिल जाएंगे एंड यूनिक कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आप स्टार वॉर्स मूवी में भी देख सकते हैं। एंड इस गेम में आपको कैंपेन नहीं देखने को मिलेगा, ये पूरी तरीके से एक मल्टीप्लेयर गेम है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी प्ले कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको किसी और मल्टीप्लेयर गेम में देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसमें आपको बहुत सारी फ्यूचर की चीज़ें भी देखने को मिलेगी, ये पूरी तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक गेम है। एंड इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूनिक आपको वेपन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने स्टार वॉर्स सीरीज़ का नाम सुना है, तो आपको तो पता ही होगा उसके गेम्स एंड मूवीज़ कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं, कितनी ज़्यादा कूल है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेम कितना ज़्यादा मस्त होने वाला है। एंड अगर आप बात करें इसके डाउनलोडिंग की, तो इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड ये गेम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप इसको वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप बात करें इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, तो इस गेम को चलाने के लिए आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 9.0 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए एंड 4GB रैम या उससे अबव रैम होनी चाहिए। एंड बात रही अगर प्रोसेसर की, तो आपके फ़ोन में अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन 835 से ऊपर का प्रोसेसर होना चाहिए। एंड अगर आपके स्मार्टफोन में एक्जिनस का प्रोसेसर है, तो आपके फ़ोन में एक्जिनस 990 से ऊपर का प्रोसेसर होना चाहिए। एंड क्रिन का प्रोसेसर हो, तो क्रिन 98 से प्रोसेसर ऊपर होना चाहिए इस गेम को चलाने के लिए। एंड अगर आपका जो प्रोसेसर है इनमें से आपको नहीं पता कौन सा है, तो आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर देख सकते हैं आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है। एंड मैंने स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखा दी है, अगर आपके फ़ोन में इनसे ऊपर का प्रोसेसर ये वाले प्रोसेसर है, तो आप इस गेम को बड़ी ही स्मूथली प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आपके फ़ोन में ये वाले प्रोसेसर नहीं है, तो आप नेक्स्ट गेम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। एंड जो हमारा 4th नंबर का गेम है वो है अवतार रेकोनिंग। एंड आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अवतार मूवी के बारे में ना सुना हो। इस गेम की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है इस गेम के ग्राफिक्स। इस गेम के ग्राफिक्स इतने ज़्यादा रियलिस्टिक है कि एक कंसोल गेम को भी कम्पीट कर सकता है। अगर आपने अवतार मूवी देखी है, तो आप तो जानते होंगे जो उसके अंदर के एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड सेम एनवायरनमेंट आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेगा। ये गेम पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड होने वाला है, आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ये गेम एक स्टोरी बेस्ड गेम है, इस गेम के अंदर आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड ये गेम मल्टीप्लेयर भी है, तो इसको आप मल्टीप्लेयर भी खेल। अगर बात करी जाए इसके डाउनलोडिंग की, तो ये गेम अभी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, अभी इसके बेटा वर्जन ही आया है। तो अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है, तो आप बेटा वर्जन डाउनलोड कर इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड साइज़ की। तो इस गेम का जो साइज़ है वो अराउंड 6GB होने वाला है। एंड बात करें अगर इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो कंपनी की तरफ से इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसके ग्राफिक्स और विजुअल को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं, तो इस गेम को चलाने के लिए आपके स्मार्टफोन में 6GB ऊपर की रैम होनी चाहिए एंड एक अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर भी आपके स्मार्टफोन में होना चाहिए इस गेम को चलाने के लिए, क्योंकि इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। एंड इस गेम को चलाने के लिए आपके स्मार्टफोन में एक हैवी प्रोसेसर होना चाहिए अगर आप इस गेम को प्ले करना है, लेकिन फिर भी आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। जब इसका बेटा वर्जन आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो जब इसका बेटा वर्जन आएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में ये गेम चल जाता है, तो आप इस गेम को बड़ी आसानी से खेल सकते हैं।
एंड हमारी लिस्ट का जो थर्ड नंबर का गेम है वो है एपेक्स लीजेंड मोबाइल्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो एपेक्स लीजेंड गेम है ये पहले पीसी पर था एंड अब इसका मोबाइल वर्जन भी बना दिया गया है। इस गेम के अंदर आपको एक फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, जहां पे आपको फ्यूचरिस्टिक गन्स, यूनिक एबिलिटीज एंड यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इस गेम के अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड्स देखने को मिल जाएंगे एंड इसके अंदर बैटल रॉयल भी है एंड TDM भी है एंड और भी बहुत सारे तरीके के आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को आपको मिल जाएंगे। एंड गाइज, अगर आप किसी मल्टीप्लेयर गेम की तलाश में हो जो लो एंड डिवाइस पे भी अच्छे FPS दे एंड स्मूथली वर्क करे, तो मेरा पर्सनल डिसीजन रहेगा कि आप इसी गेम को डाउनलोड करें, क्योंकि ये गेम लो एंड डिवाइस पे भी अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है तो मैंने इस गेम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको इन गेम रिवार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं इस गेम के साइज़ एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इस गेम का जो साइज़ होने वाला है वो अराउंड 2.7 GB होने वाला है। एंड बात रही अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए एंड मिनिमम 3 GB रैम आपके स्मार्टफोन में होनी चाहिए इस गेम के लिए। एंड एक नॉर्मल प्रोसेसर पे भी ये गेम अच्छे से वर्क कर जाएगा। अगर आपके पास MediaTek का प्रोसेसर है तो MediaTek 30 पे ये आराम से चल जाएगा। एंड अगर आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो स्नैपड्रैगन 700 पे भी ये गेम अच्छे से वर्क कर जाएगा। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। एंड हमारी लिस्ट पे जो सेकंड नंबर का गेम निकल के आता है वो है बैटल प्राइम मोबाइल। ये प्रेस फायर वालों की तरफ से आने वाला एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड्स देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसके आपको बैटल रॉयल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि आने वाले कुछ अपडेट्स में इसके अंदर बैटल रॉयल डाल दिया जाए, लेकिन अभी इसके अंदर बैटल रॉयल आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उसके अलावा आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि TDM और डोमिनेशन और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड। ये एक पूरा मल्टीप्लेयर गेम है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। एंड अगर प्लेइंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी पर्सपेक्टिव से खेल सकते हो। एंड जो इस गेम की सबसे ज़्यादा खास बात है वो है इस गेम के ग्राफिक्स। इस गेम के जो ग्राफिक्स एंड टेक्सचर है वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक है कि ये देखने में एक PC गेम लगता है। एंड इस गेम के शूटिंग मैकेनिक्स एंड प्लेइंग एनिमेशन भी इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि इस गेम को और भी ज़्यादा ऑसम बना देते हैं। इस गेम के अंदर आपको ट्री मूवमेंट, रियलिस्टिक रैगडॉल फिजिक्स एंड और भी बहुत सारे छोटी छोटी डिटेल देखने को मिल जाएगी। एंड जो सबसे कमाल की बात मुझे इस गेम के बारे में लगी वो ये है कि ये लो एंड डिवाइस में भी अच्छे से वर्क कर जाता है। एंड अब अगर बात करें इस गेम के साइज एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इस गेम का जो साइज है वो अराउंड 1.6 GB होने वाला है। एंड बात रही सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इस गेम को चलाने के लिए आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। एंड बात करें अगर रैम की, तो रैम आपके स्मार्टफोन में मिनिमम 3 या 4 GB होनी चाहिए। एंड बात रही अगर प्रोसेसर की, तो आपके स्मार्टफोन में एक मीडियम प्रोसेसर होना चाहिए। अब प्रोसेसर का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आजकल अलग अलग तरीके के प्रोसेसर आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, किरिन एंड और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसर। तो अगर मैं आपको उसके हिसाब से बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि गेम आपके स्मार्टफोन में वर्क करेगा या नहीं, तो आप एक बार इंटरनेट पे जाकर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर लें। अगर वहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है वो वहाँ से मैच हो जाता है तो आप इस गेम को डाउनलोड कर लें। अगर वहाँ से आपके जो प्रोसेसर है वो मैच नहीं होता, तो आप इस गेम को डाउनलोड कर अपना डाटा ना वेस्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लिस्ट के सबसे लास्ट गेम की ओर। एंड जो हमारी लिस्ट पे फर्स्ट नंबर का गेम है वो है फेडिंग सिटी मोबाइल। ये जो हमारा गेम है वो द लास्ट ऑफ अस गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। अगर आपने द लास्ट ऑफ अस गेम के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूँ, ये एक कंसोल गेमिंग सीरीज़ है। अगर आपको ज़ोंबी गेम पसंद है तो ये गेम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये अब तक वन ऑफ द बेस्ट ज़ोंबी गेम है जो एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। इस गेम के जो ग्राफिक्स एंड विजुअल है वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है एंड इस गेम की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये गेम मल्टीप्लेयर भी है एंड सिंगल प्लेयर भी, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। एंड प्ले करना है तो आप इसको सिंगल प्ले भी कर सकते हैं। इस गेम में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिशन देखने को मिल जाएंगे, जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको रिवार्ड मिलेंगे एंड उनकी मदद से आप अपनी गन्स को अपग्रेड कर सकते हैं, न्यू कैरेक्टर अनलॉक कर सकते हैं। इस गेम में भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैप्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के ज़ोंबी भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके साथ आपको फाइट कर सर्वाइव करना होता है। अगर आप एक ज़ोंबी सर्वाइवल टाइप का गेम ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गेम है, क्योंकि इस गेम के अंदर हर वो चीज़ है जो एक ज़ोंबी गेम में होनी चाहिए। प्लस इस गेम के जो ग्राफिक्स एंड स्टोरी लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो इस गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है।
इस गेम के अंदर आपको और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीचर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप गेम खेलने के बाद ही एक्सप्लोर कर पाओगे, तो आपको इस गेम को भी एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। इसका भी डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये गेम अभी करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसको खेलने के लिए VPN लगाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ये गेम कुछ दिनों में ग्लोबली रिलीज़ भी होने वाला है, तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाओगे। एंड फिर आपको पिंग की प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी जो कि आपको VPN की वजह से देखने को मिलती है। एंड बात करें अगर इस गेम के साइज़ एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो जो इस गेम का साइज़ होने वाला है वो ओनली 1.2 GB होने वाला है। इस गेम के ग्राफिक्स एंड टेक्सचर इतने HD होने के बावजूद भी जो इस गेम का साइज़ है वो ओनली 1.2 GB होने वाला है। एंड बात रही अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। एंड बात रही अगर रैम की, तो 4 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए एंड एक हाई एंड प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन में होना चाहिए इस गेम को चलाने के लिए। सो गाइज, यही तो वो टॉप 5 गेम जो हाल ही में रिलीज़ हुए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाती है तो मैं इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।